नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का जो अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन के दौरान पराग नलिका का मार्ग नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आइए चलो देखते हैं निषेचन की परिभाषा। नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, यानी नर और मादा युग्मक आपस में संयुग्मन करके निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं। यह जैव क्रिया लैंगिक जनन की मुख्य आधारशिला है। इस क्रिया में आगुणित युग्मक मिलकर युग्मनज यानी जायगोट बनाते हैं, जो विकसित होकर पूर्ण जीव बनाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, निषेचन के दौरान पराग नलिका का मार्ग, ठीक है, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसे कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। ये पुष्प का स्त्री केसर, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये मादा अंग है, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब पुकेसर या फिर एंड्रोशियम के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, तो पराग कण इस वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, और जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, तो यहाँ से एक ट्यूब का निर्माण होता है, और ये ट्यूब कहाँ चली जाती है, अंडाशय के अंदर, ठीक है। और अंडाशय के अंदर जो बीजांड उपस्थित है, उस बीजांड में जाकर पराग कणों के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, वो इस बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनसे संयुग्मन करता है और निषेचन क्रिया संपन्न करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस स्त्री केसर जो भाग है, या फिर जो ये मादा भाग है, इस भाग के सभी भागों के नाम याद रखना है। जैसे बीज में जो पोर्शन आपको कोशिकाओं का जो समूह दिख रहा है, इसको मादा जनन इकाई बोलते हैं, ठीक है। जो ये बाहर वाला आवरण दिख रहा है, इसको बीजांड, ठीक है, और जो ये वाला आवरण है, ठीक है, ये वाला, इसको अंडाशय कहते हैं, ठीक है। ये वर्तिकाग्र, इसको पराग नाल या फिर पराग नलिका, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसी वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पराग कण आकर गिरते हैं और ये ट्यूब का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये डायग्राम।